कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, तब से कांग्रेस आक्रोश में नजर आ रही है। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक डाला है। सड़क पर उतरकर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम के तहत संध्या लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च का आयोजन किया गया। रांची के स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण स्थित शहीद स्थल से आरंभ होकर कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक गई। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और हमारे रांची शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो यहां पर मशाल यात्रा निकाली जा रही है, जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर में इसी प्रकार की मशाल यात्राएं सभी जिलों में पूरे प्रदेश के अंदर में निकाली जा रही है। ये यात्रा लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा जिस भारत के मूल्यों के लिए, जिस संविधान के मूल्यों के लिए, जिस भारत की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए, रक्षा के लिए जो आवाज़ कांग्रेस ने हमेशा मजबूत की है और देश की नींव जिन आधार पर रखी गई है, जो बहुत ही मौलिक प्रश्न है कि विपक्ष की हैसियत से कोई गलत नीतियां अगर होती हैं तो उसके विरोध में आवाज़ उठाने की, माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आवाज़ उठाया और उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए, लोगों को एक गलत संदेश देने के लिए एक जो बहुता है, जो मेजोरिटीज़म है, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए देश में आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए और साथ ही साथ लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने खुले रूप में देशवासियों से, कांग्रेस जनों से आह्वान किया है कि वे एकजुट हों। अगर यह इसी प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर करता होता गया और इसी प्रकार से अगर हमारे पार्लियामेंट की आवाज़ को और कमज़ोर कर दिया गया, संविधान को कमज़ोर किया गया, तो ये देश में शांति नहीं रहेगी, देश में अनार्की आएगी और देश में की प्रगति वहीं पर स्थिर हो जाएगी। बेरोजगारी के ऊपर से राहुल जी ने आवाज़ उठाया, देश में महंगाई के विरोध में राहुल जी ने आवाज़ उठाया, हमारे पड़ोसी देशों के साथ में भाईचारा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, इन सभी चीज़ों के विरोध में जो एक्शन लिया गया है, ये बहुत ही दूरगामी तरीके से ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश को और देश की आत्मा को कमज़ोर करने वाला ये एक्शन है। और इसके लिए सभी कांग्रेसजन एकजुट होकर राहुल जी के नेतृत्व में अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए आज यहाँ पर मशाल सत्याग्रह के माध्यम से प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन या सत्याग्रह आगे भी चलता रहेगा। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने एक प्रयत्न किया कि जन सामान्य की आवाज़ को उठाते हुए बेरोजगारी, महंगाई, हमारे भाईचारा, प्रेम बढ़ाने के लिए जो यात्रा निकाली थी, उसी के कंटिन्यूशन में, उसी के श्रृंखला में ये आंदोलन चलेगा जो पूरे देशव्यापी होगा और आने वाले 15 दिनों में पूरे कांग्रेस जन हर जिलों के अंदर में सत्याग्रह इस सभा के माध्यम से लोगों का जन जागरण का काम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।